हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बंद मकान में लगी भीषण आग। शहर के अति व्यस्ततम एरिया सोजी गेट गजानन मंदिर के सामने मजदूर मैदान कार्यालय के ऊपर बने एक मकान में शुक्रवार रात को भीषण आग लग गई। आग लगने से एक बारगी क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही यह मकान बंद था और परिवार अस्पताल में व्यस्त था, अन्यथा जनहानि भी हो सकती थी। नागौरी गेट एवं शास्त्री नगर अग्निशमन केंद्र से पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों ने 2 घंटे में इस भीषण आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आया, लेकिन बताया गया है कि मकान में काफी कचरा जमा था और संभवतः जलता रॉकेट आकर गिरा था। आग से काफी नुकसान हो गया, घरेलू सामान के साथ भवन क्षतिग्रस्त हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोजी गेट एरिया गजानन मंदिर के सामने मजदूर मैदान है। यहाँ मजदूर यूनियन का कार्यालय बना है। इसी कार्यालय के ऊपर रविंद्र सिंह का परिवार रहता है। रविंद्र सिंह के पैर में फ्रैक्चर होने पर परिवार के लोग अस्पताल में व्यस्त है। शुक्रवार रात को घर बंद पड़ा था। बताया जाता है कि घर और इसके आसपास काफी कचरा एकत्र हो रखा था। कार्तिक पूर्णिमा शहर में आतिशबाजी हो रही थी, तब संभवतः कोई रॉकेट आकर कचरे में गिरा और धीरे धीरे आग लग गई। यह आग देखते ही देखते विकराल रूप में बदल गई। आग ने पूरे मकान को चपेट में ले लिया। आग लगने की सूचना पर नागौरी गेट अग्निशमन केंद्र से दमकल की एक गाड़ी वहां भेजी गई, लेकिन आग की विकरालता को देखते हुए शास्त्री नगर अग्निशमन केंद्र से भी दमकल की 2 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। 2 घंटे की मशक्कत पर आग पर काबू पाया जा सका। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।